इज जसलीन मथारू एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। बहुत-बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयां देना चाहेंगे। थैंक यू। क्या कुछ कहना है गाने के बारे में आपको? आई हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आया। रीना मेहता जी जिनकी आवाज़ में गाना है, जब उन्होंने अप्रोच किया मैंने गाना सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत मस्ती से ये शूट किया है गाना। जैसा कि गाने का टाइटल है मचलती हूँ, आपका करियर भी वैसे हंसते मचलते ही चला रहा है। बिल्कुल, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। टाइम ऑफ रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस, उसके बाद मुझसे शादी करोगे, वहाँ से जो पूरा एक अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं आप? बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कलरफुल सी जर्नी रही है और मैं होप करती हूँ कि हमेशा ऐसी ही रहे, क्योंकि मैं एज अ पर्सन ही ऐसी हूँ। तो आई एम रियली होपिंग कि बस आगे का सफ़र भी ऐसे ही निकले। ये तो सफ़र रहा जो कि आपके टी सीरीज के साथ आज आ रहे हैं और भी अच्छे अच्छे गाने के साथ आ रही हैं, खुद के भी आपके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बट आपके कुछ पहले के भी एसोसिएशन रहे हैं जिसको लोग आज भी काफ़ी पसंद करते हैं, क्या उन एसोसिएशन के साथ वापस आपको देखने का मौका मिल सकता है लोगों को? बिल्कुल, बहुत जल्दी। इनफैक्ट मैं नहीं कहना चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं एक ये सरप्राइज़ ही रखना चाहती हूँ कि किस चीज़ पर मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ, लेकिन आई एम वेरी श्योर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कुछ बहुत हटके देखने मिलेगा लोगों को। मैं कुछ नहीं कहना चाहती अभी, कुछ भी नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगी मैं, बट जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जो लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छा, जितनी साथी खबरें भी कुछ दिन पहले आ रही थी कि आपका लॉकअप में जाने के चांसेस हैं, क्या कुछ आप क्लेरिफिकेशन देने चाहेंगे? रियली ऐसी खबरें आ रही थी? हाँ, क्या बात है, अगर ऐसा कुछ है तो जरूर हो, क्योंकि मैं जाना चाहूंगी लॉकअप में और लॉक होना चाहूंगी। हाउ डू यू सी एकता कपूर एंड कंगना रनौत रूलिंग ओवर यू इन लॉकअप? आई थिंक इट्स गोना बी फन, बिकॉज बिग बॉस में भी ऐसा हुआ है मुझसे शादी करोगे में, हर रियलिटी शो में ऐसे ही होता है कि सब एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं, और आई थिंक मैं बहुत यूज टू हो चुकी हूँ, बिग बॉस में 3 महीने रही हूँ ऑलमोस्ट और आदत हो गई है इस चीज़ की, तो अब काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। आई थिंक लॉकअप जब करूँगी तो मज़ेदार होगा। बाकी जो जिसमें बात करना चाहेंगे, आपका जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल है जो जिसको आप अभी धीरे धीरे उसकी मेहनत करें, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट उसको भी देखने को मिल रहा है जी, कितने आगे तक देखती हैं आप उसको, किस हद तक? क्या जो इंडस्ट्री के वन साइडेड जो डोमिनेंट लेबल्स हैं जैसे कि जैसे कुछ बड़े नाम हैं उनके अगेंस्ट खड़ा हो पाए, या फिर कुछ तो बन पाए जसलीन मथारू ब्रांड? बिल्कुल, आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ हो। मैं किसी के साथ ऐसे कम्पीट करने के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना भी यू नो अपना यूट्यूब चैनल अपने म्यूज़िक को और आगे लाना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो कि मैं किस तरह के गाने गा सकती हूँ, मेरा और जो कैलिबर है वो लोगों तक पहुँचे, बस यही उम्मीद करती हूँ। बाकी ऐसे कोई कॉम्पिटिशन मेरा नहीं है, ऑफकोर्स मैं बड़े लेबल्स के साथ भी काम करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जसलीन मचलती हूँ पे तो फॉर शुर पूरा भारत ही मचलने वाला है, लेकिन इसके बाद और आपके जो दर्शक हैं और आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा उनको, आपको कहाँ देख पाएंगे अगर कुछ बताना चाहें? आगे और बहुत सारे गाने आ रहे हैं मेरे जिनमें लोग मुझे देखेंगे, तो वो एक सरप्राइज है, उसको सरप्राइज ही रहने दीजिए, अभी मत पूछिए मुझसे कुछ भी, क्योंकि मेरे मुँह से फिर निकल जाएगा और मैं नहीं चाहती। लास्टली अ विश रिक्वेस्ट एंड अ मैसेज टू योर फैंस जो कि आपके इस गाने को देखने वाले हैं। कीप लविंग मी, मचलती हूँ, और मेरे आगे आने वाले सारे म्यूजिक को इसी तरह अप्रिशिएट करिए और मुझे बहुत सारा प्यार करिए। आई लव यू ऑल।